दुनिया की सबसे सस्ती कार ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके लिए महंगी और बड़ी कारों के पहिए भी जाम हो जाते हैं। दुनिया की दूसरी और भारत के सबसे ऊंची सड़क पर पहुंची रतन टाटा की नानो। नैनो का नया कारनामा, सबसे ऊंची सड़क पर लखटकिया, दो जियालों का जलवा, नन्ही सी नैनो ने नया करिश्मा कर दिखाया है। टाटा नैनो भारत की सबसे ऊंची सड़क यानी खरदुंगला पास पर शान से दौड़ने में कामयाब हो गई है। खास बात है कि इस रास्ते पर महंगी गाड़ियों के पहिए भी कई बार जाम हो जाते हैं। दिल्ली के रहने वाले संजय मदान और पंकज चांदना ने इस मुश्किल काम को अंजाम दिया। 28 मई को दोनों ने दिल्ली से खरदुंगला पास का ये सफर शुरू किया था। 9 जून को ये दोनों मनाली और लेह होते हुए श्रीनगर पहुंच गए। इस सफर में इनकी मंजिल थी 18,380 फीट की ऊंचाई पर मौजूद खरदुंगला पास, जो भारत की सबसे ऊंची सड़क है। यही नहीं, ये रास्ता दुनिया का भी दूसरा सबसे ऊंचा रास्ता है। दुनिया की सबसे छोटी और सबसे सस्ती कार को लेकर यहाँ पहुँचे ये दोनों लोग इस सफलता से बेहद खुश हैं। लोगों ने तो हमें इतना अच्छा रिस्पांस दिया कि उस रूट पे आज तक कोई नैनो गई नहीं है, और लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि नैनो जाएगी। और लोग बहुत शौक थे कि अरे नैनो यहाँ कैसे आ गई, नैनो यहाँ कैसे आ गई। और पूरे रास्ते 10 दिन हमें यही रिस्पांस मिला है, और बहुत लोगों ने अमेज हुए देख के, अप्रिशिएट किया। बर्फ से ढके पहाड़ और मुश्किल रास्तों के बीच दौड़ रही इस कार को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी बीच बीच में जमा होती रही। नैनो की ये सफलता एक मशहूर किस्से का रूप लेने को तैयार लग रही है। तो हमने प्लान किया कि हम एक गाड़ी परचेज किया हमने जल्दी से जल्दी, और दिल्ली टू ले हमने उसको पास आउट करके दिखाया, और इसके अंदर कोई भी किसी तरह की भी दिक्कत नहीं है। ये गाड़ी दुनिया में किसी भी रूट पे चल सकती है, ये हमारा कहना है। आखिर में खरदुंगला पास के साथ साथ बारलाग पास और जोजिला पास को चीरती हुई नैनो जब श्रीनगर पहुंची, तो इस गाड़ी ने शायद दुनिया का सबसे मुश्किल इम्तिहान भी पास कर लिया था। अभी तक देश में लोगों में ये वहम था कि लाख टके की गाड़ी शायद मुश्किल रास्तों पर नहीं चलेगी, लेकिन टाटा नैनो की इस गाड़ी ने न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के सबके मुश्किल रास्तों को भी पार करके ये साबित कर दिया कि लाख टके की गाड़ी देश और दुनिया में कहीं भी चल सकती है। अशरफानी, श्रीनगर आज।